सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो यहाँ पे देखिए लाल बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं और जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं उनमें पूरी कोशिश की है कि जिन्होंने हमारे बुलिश स्टॉक्स में, जिनमें हम बुलिश थे, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर बंधन बैंक है, एक महीने पहले हमने यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। चमनलाल सेतिया, अशोक लेलैंड से शुरुआत की थी तीन वीडियोस से, आज ये स्टॉक्स भाग चुके जो रेट पे थे एक महीने पहले, उनसे काफ़ी 20-25% तक की बढ़त पे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा दे रहे। ऑब्वियसली सेंसेक्स भी ऊपर आया हुआ है, 38 क्रॉस कर गए हैं। तो हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारे वीडियोज़ आप सिर्फ थंबनेल देख के ख़रीद लें, ऐसा भी नहीं है। पूरा वीडियो आप देखें, पूरी एनालिसिस होती है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कभी कभी कमेंट बॉक्स में हमको बोलते हैं कि सर इस वीडियो, इस पर्टिकुलर स्टॉक का वीडियो बनाइए, इस कंपनी के बारे में बताइए। तो हम उस कंपनी के बारे में भी बताते हैं, और कुछ कंपनियों में मैं बुलिश नहीं होता हूँ, मतलब उनमें रिटर्न की गुंजाइश नहीं होती, उन स्टॉक से मैं खुश नहीं होता, उनको बोलते हैं बैड स्टॉक्स, जो आपको 10 सालों में भी कुछ नहीं देते, 5 सालों में कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ देखा कि हाँ इस चैनल पे वीडियो है और आपने स्टॉक ख़रीद लिया, नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप अपनी मेहनत का पूरा पैसा लगा रहे हैं, खून पसीने की कमाई का पैसा लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ी सी वीडियो देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का जो स्टॉक है हम पहले ही बना चुके, देखिए यहाँ पर यस बैंक ये बना हुआ है, हमने 15 दिन पहले बनाया था, लेकिन 15 दिन से अभी काफ़ी आगे ऊपर आ चुका है और लोग क्या मार्केट में हल्ला है कि भैया क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें या और नई ख़रीदारी करें या फिर होल्ड करें। तो देखते हैं मोटा मोटी इस कंपनी, हालांकि सारे लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं कि कितनी बढ़िया बैंक है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए खुल गया है मनी कंट्रोल की साइट पर यस बैंक लिमिटेड, और 15 मार्च को जो फ्राइडे था, आज से परसों, 245 रुपये पर ट्रेड किया और 4.80 रुपये की डाउन साइड पर। आज है 17 मार्च 2019 और 52 वीक जो लो बनाया था इसने 146 रुपये का, और हाई था 404 रुपये का, और अपने हाई से बहुत लो पे आके गिर गया था। लोग घबरा गए थे, बेचारे क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और अचानक से अगस्त में 2018 में यहाँ पर डाउन साइड आना और एक खाई में गिर गया पूरा स्टॉक, और फिर गिरता तो फिर वो कभी उठता, फिर गिरता, फिर कभी उठने की कोशिश करता, और यहाँ पे आके लो सबसे बनाया 147 के। लोग तो पैनिक हो गया था पूरा मार्केट कि भाई यस बैंक में क्या करें, कहीं ऐसा 900 रुपये पहुँच जाए, है ना। तो देखिए अभी भी यहाँ पे सेंटीमीटर कह रहे हैं 22% लोग कि खरीद लीजिए, 13% कह रहे हैं सेल कीजिए, और 5% लोग कह रहे हैं कि होल्ड इट, होल्ड इट। और मार्केट कैप है 56,700 करोड़ का, लार्ज कैप कंपनी। EPS हम आगे देख लेंगे, PBM देख लेंगे। बुक वैल्यू है 111.31 की और प्राइस टू बुक है 2.20 की। इंडस्ट्री PE 36 की और डिलीवरेबल है 27%। ये देखिए PE है इसकी 13.39 की। EPS है, अर्निंग पर शेयर है इसका, आपके एक शेयर पे इसकी इतनी कमाई है 18.30 रुपये की, और बाकी हम देख ही चुके हैं। अब 10 सालों का रिटर्न है, देखिए यहाँ पे 10 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो आपके रुपए हो गए हैं 26,97,000 रुपये। ज़बरदस्त, अभी भी देखिए 10 साल पहले जिसने पैसे लगाए थे आज भी वो राजा है। तो कैसे लोग घबरा के भाग जा रहे हैं, क्यों बेचना चाह रहे हो आप? ये लॉन्ग टर्म पर्पज़ से अगर आपने इस कंपनी पर भरोसा जताया, इस बैंक पर भरोसा जताया, तो आप इस पर रहिए, बने रहिए। जैसे HDFC कितने दिग्गज बैंक बन गई है, वैसे ये भी प्राइवेट सेक्टर का अपना अच्छी पोजिशन रखता है, अच्छे इसके प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी बैंकिंग। थोड़ा सा क्या होता है कि मैनेजमेंट में कभी RBI की तरफ से, कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कभी कुछ ऐसे हो जाते हैं, न्यूज़ आ जाती हैं जिन पे लोग पैनिक करके घबरा के बेच के भाग जाते हैं, तो थोड़ा सा स्टॉक प्राइस जो है डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी बेकार हो जाएगी या बैंक बंद ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बड़े भाई। इसलिए ज़रा अब देखते हैं यहाँ पर, 1 साल पहले जिन्होंने पैसे लगाए थे 21% के नेगेटिव में है। ईयर टू डेट जनवरी में जिसने लगाया था 34% से इसने बाउंस बैक किया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल चुका है। 1 मंथ पहले 12% और 1 वीक पहले करीब 6.5% की बढ़त पे। इंटरेस्ट अर्न्ड 7,958 करोड़ इन्होंने इंटरेस्ट कमाई की, और नेट प्रॉफिट 1,001 करोड़ पे यहाँ पे। और थोड़ी सी डाउन साइड है दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट में, हम देख लेंगे अभी आगे। और फाइनेंशियल ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, स्कोर इज 15। ये देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट अर्निंग में 56% की बढ़त थी,
और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 7% के करीब डाउन साइड है, जो कि दिसंबर 17 में था 1076 और अभी हो गया 1001 करोड़। तो यहाँ पे ईयर टू ईयर में यहाँ पे डाउन साइड है, कोई बात नहीं। अब देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 19.82%, और जो सितंबर जो क्वार्टर में थी 19.91, थोड़ी सी यहाँ पे माइनस की है 0.09% की होल्डिंग। और गिरवी शेयर है इनके तीन, करीब 3.5, 3.64% की प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है शेयर्स, उन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स 29 स्कीम्स हैं, FIIs की 581 लोगों ने पैसे लगा रखे, बताइए 36%, 36.25% करीब है। और हाईएस्ट प्रमोटर मधु कपूर, पारिवारिक है मैनेजमेंट में। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट, LIC है भैया, आपका इतना पैसा यहीं पे आता है। एनीवेज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं हम और आप, खुदरा ग्राहक 16.27%। और इन्होंने देखिए, मुझे लगता है कि जो यहाँ पे FIIs ने, म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे जो लाल में निशान है, थोड़ी सी अपनी होल्डिंग घटाई है, तो इसका मतलब प्रॉफिट इन्होंने बुक किया हुआ है, ऐसा लग रहा है। सितंबर से चेंजेस हुए जो दिसंबर 18 में, या हो सकता पैनिक में बेच दिया हो, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ाई है। अब इसने डिविडेंड जो पिया था, जो आप डिविडेंड जो दिया था 2.70 रुपये का, 4 जून 2018 को दिया था, और अच्छा डिविडेंड है 2.70 रुपये, 245 रुपये के स्टॉक में। येस बैंक लिमिटेड ऑफर्स अ फुल रेंज ऑफ क्लाइंट फोकस्ड कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज, इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन सर्विसेज, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोल्यूशंस एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट सोल्यूशंस अमंग अदर्स टू द हाईली फोकस्ड क्लाइंट बेस। द बैंक ऑल्सो हैज़ अ वाइड स्प्रेड ब्रांच नेटवर्क ऑफ ओवर 331 ब्रांचेस अक्रॉस 200 सिटीज विद ओवर 420 ATMs एंड 2 नेशनल ऑपरेटिंग सेंटर्स इन मुंबई एंड गुड़गावा। और अपनी इंडस्ट्री में यह है 7th नंबर पे। कॉर्पोरेट बैंकिंग 63% की इनकम है, ट्रेजरी से 24% की, और रिटेल बैंकिंग से 11% की। प्राइवेट बैंक है यस बैंक, 2003 से काम कर रही है। अब दोस्तों इसमें आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको एक पहली चीज़ बता दूं, पहले सॉरी, अब मैं HDFC के 10 सालों के रिटर्न आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये HDFC के रिटर्न है 1248 रुपये, मतलब सॉरी 1248% के रिटर्न है। और यस बैंक ने कितने दिए हैं, 2697% के रिटर्न। तो अभी भी HDFC से ज़्यादा यस बैंक ने दिए हैं, और HDFC बैंक भी बहुत धाकड़ कंपनी है, ऐसा नहीं है कि आज उसका भाव जो है 2251 रुपये है। और यस बैंक का आज जो प्रीमियम है 245 रुपये है, तो भी आपको डर लग रहा है इसको खरीदने में, मतलब 200, अगर आपको लगता है कि भैया मेरा जो विज़न है 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, तो अब ये जो मैनेजमेंट या कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं 2-4 महीने की शॉर्ट आउट वाली, वो तो उसमें आप क्यों ध्यान देते हैं? आप जमे रहिए, डटे रहिए, बहुत तगड़ा आपको इन्वेस्ट ये रिटर्न दे के जाएगा। अभी 10 सालों में जिस कितना दिया, ज़बरदस्त दिया है, तो मैं इसे बहुत बुलिश हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। हाँ, जो निवेशक जिन्होंने लगाया था कि चलो 170 रुपये पे जब गया था, 150 के आसपास गया था, अगर वो चाहे तो बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स अभी 40% करीब, 40-50% करीब ये बढ़ा था अपने लो से, तो चाहे तो बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि भाई यस बैंक एक अच्छी कंपनी है, अच्छी बैंक है, और इसमें बुलिश हूँ, पॉजिटिव हूँ, और आपको रिटर्न मैंने दिखा दिया, आपके मोटा मोटी इस कंपनी के बारे में बता दिया, और बैंक है कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, बहुत धाकड़ बैंक है। तो अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं यहीं पे वीडियो वाइंड अप करता हूँ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।